नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। आज मैं बात करूंगा RRTS के वो 6 स्टेशन जो गाजियाबाद मास्टर प्लान की सीमा के अंतर्गत आते हैं, उन स्टेशन के दोनों ओर RRTS की लाइन से जो भी TOD जोन बनाया गया है, उस TOD जोन में किस तरह के विकास होंगे और आम लोगों को उससे क्या लाभ होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं बताता हूं कि गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 में RRTS के संबंध में क्या प्राविधान अंकित किए गए। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कुल 6 RRTS स्टेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गाजियाबाद स्टेशन पर RRTS एवं दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC के मल्टी मॉडल एकीकरण का प्रस्ताव है। RRTS हेतु डिपो में से एक गाजियाबाद के दुहाई में स्थित होने का प्रस्ताव है। दुहाई स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में नए विकास की योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि TOD एवं SEZ विकास हेतु भूमि उपलब्ध है। TOD का मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए RRTS के दोनों ओर दुहाई में भूमि उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजधानी से इसकी निकटता के कारण व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस परियोजना के 2025 तक परिचालन प्रारंभ होने की संभावना है। ये तो वो था जो RRTS के संबंध में गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 में उल्लेखित किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने RRTS के दोनों ओर TOD जोन के अंतर्गत विकास की फुल प्रूफ कौन सी योजना बनाई है, इसके लाभ होने वाले प्रमुख बिंदुओं पर बात करता हूं। नंबर एक, RRTS के दोनों ओर TOD जोन विकसित होने की वजह से जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्राइवेट वाहनों का उपयोग कम होगा, तो जाम की समस्या में थोड़ी कमी आएगी। 4,261 हेक्टेयर एरिया में RRTS कॉरिडोर के दोनों ओर विकास होगा। 482 हेक्टेयर मेट्रो की रेड लाइन और 154 हेक्टेयर ब्लू लाइन के लिए जमीन चिन्हित की गई है, और 909 हेक्टेयर दोहाई और दोहाई डिपो के आसपास स्पेशल डेवलपमेंट एरिया विकसित किया जाएगा। RRTS के दोनों ओर TOD जोन में GDA ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि किसी भी आदमी को अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए वाहन के रूप में अपनी कार या अपना स्कूटर ना निकालना पड़े, और अपने घर के आसपास ही सारी चीजें उसको मिल जाए। हॉस्पिटल भी मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल भी मिल जाए, शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिल जाए, और ऑफिस के लिए ऑफिस स्पेस भी वहीं मिल जाए, और यात्रा करने के लिए भी वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर या RRTS के किसी भी स्टेशन पर जाकर कहीं भी कनेक्टिविटी के साथ अपनी यात्रा कर सके। इससे जाम को मुक्ति मिलेगी और जो अनावश्यक फ्यूल खर्च होता है गाड़ियों में, प्रदूषण होता है, वो सब कम होने की संभावना है। मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर समान रूप से विकास किए जाने की योजना है। RRTS के दोनों ओर TOD जोन को लेकर एरिया फाइनल कर लिया गया है। RRTS कॉरिडोर में 4,261 हेक्टेयर एरिया में नियोजित विकास किए जाने की प्लानिंग है, जबकि मेट्रो कॉरिडोर के रेड लाइन में 482 हेक्टेयर और ब्लू लाइन में 154 हेक्टेयर एरिया को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा दोहाई और दोहाई डिपो में स्पेशल डेवलपमेंट एरिया के रूप में 909 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। दुहाई में 600 हेक्टेयर और गुलधर में 309 हेक्टेयर जमीन इसके लिए SEZ के लिए चिन्हित कर ली गई है, और इस रैपिड कॉरिडोर बनाए जाने में जो लागत आएगी, उस लागत को वसूलने के उद्देश्य से विकास क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे। क्षेत्र में मुख्य रूप से ग्रुप हाउसिंग योजना, बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कार्यालय, मॉल और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अलग अलग पॉकेट बनाए जा सकते हैं। गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 में दुहाई डिपो स्टेशन को TOD के इन्फ्लुएंस जोन की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे दुहाई डिपो स्टेशन अब चौतरफा विकसित होगा। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट के तहत यहाँ विकास कार्य करवाया जा सकेगा। इसको लेकर NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन काफी समय से शासन से पैरवी कर रहा था, जबकि GDA इसे स्टेशन मानने को तैयार नहीं था। शासन के निर्देश के बाद GDA ने मास्टर प्लान में दुहाई डिपो को स्टेशन की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अब यहाँ कृषि भूपयोग को मिक्स लैंड यूज की श्रेणी में कर दिया गया है। अब यहाँ एक ही भूखंड पर आवासीय के साथ कॉमर्शियल एक्टिविटी की सुविधा भी मिल जाएगी।
इसके लिए 417 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। मास्टर प्लान 2031 में हापुड़ रोड की सेक्टर वाइज प्लानिंग की गई है। इसमें आवासीय, कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट नगर, सार्वजनिक और मनोरंजन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 में दो जगह पर लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें एक दिल्ली बॉर्डर के पास और दूसरा डासना एरिया में प्रस्तावित है। यह करीब 100 हेक्टेयर में होगा। पहला लोनी के फतेहाबाद निठोरा के पास होगा, जबकि दूसरा डासना के पास होगा। इसके बन जाने से सामान को लेकर आने वाली ट्रकों को यहीं रोका जाएगा, इससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा। डासना के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे होगा, जबकि लोनी वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और हाईवे के पास है। सड़क के किनारे खड़े होने वाली ट्रकों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाएगी। इसके लिए ट्रक पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। टीला मोड़ फरुखनगर में 5.96 हेक्टेयर जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है, जबकि मोटा और भोजपुर में इसके लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आरआरटीएस के दोनों ओर होने वाले मास्टर प्लान 2031 के प्रस्तावित विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस सूचना के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।